किसानों के घर में कभी फाका नहीं होगा, कभी भूखे नहीं मरेंगे। उनके सब कुछ होता है, राशन भी है, सब्जी भी, सब उगाते हैं। उनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, वो लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, फार्मर्स अपने लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे इतनी ठंड के अंदर। उस टाइम पर मीडिया दलाली कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, वो सिख हैं और वो आके मेरी इज्जत करते हैं, तो बड़ा प्यार मिलता है यहाँ पर आकर। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम अपने लोगों के बीच हैं। तो ये दिखाने की जरूरत है, यही हिंदुस्तान का दिल है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर एक इकाई करते हैं निर्माण राष्ट्र का, करते हैं निर्माण राष्ट्र का सत्य अहिंसा जिसमें समाई। ये पंक्तियां तो आप लोगों ने सुनी होंगी। इन पंक्तियों का खासा असर हमें किसान आंदोलन में देखने को मिला जब हमारी न्यूज नंबर की टीम वहां पहुंची। किसानों की मांगे एक तरफ और सरकार का फैसला क्या होगा वो भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस आंदोलन में जो एक बात खास दिखाई दे रही थी वो है कि यहाँ पर सभी धर्म का भाईचारा, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, बल्कि सब एक होकर अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग पिछले 7 दिन से यहाँ पर किसान भाइयों के लिए सेवा में हैं। हम लोग रोज शाम में जो है, क्योंकि बिजनेसमैन है इसलिए पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, तो शाम में करीबन 6 बजे हम यहाँ पर आ जाते हैं और फिर किसान भाइयों को कॉफ़ी का इंतज़ाम हम लोगों ने किया है और रात के 12-1 बजे तक भी, जब तक हमारा प्रोग्राम चलता है तब चलाते हैं, उसके बाद वापस दिल्ली चले जाते हैं। किसान आंदोलन में हर मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी, ईसाई भी लोग आ रहे हैं। कर्नाटक से बात हुई अभी, तो लोग आ रहे हैं और उम्मीद यही लगती है कि कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ हक में फैसला होने वाला है। हालांकि मैं किसान बैकग्राउंड से नहीं हूं और ना मेरे कोई पुराना किसान से ताल्लुक़ है, सिर्फ एक भाईचारे के नाते, जैसे हमारे पंजाब से, हरियाणा से हमारे भाई आए हुए हैं हमारी दिल्ली, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी, हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली तो मेहमान नवाजी में जानी जाती है, तो उसी का हक अदा करने हम लोग आए हैं। किसानों की अपनी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के घर में कभी फाका नहीं होगा, कभी भूखे नहीं मरेंगे। उनके सब कुछ होता है, राशन भी है, सब्ज़ी भी, सब उगाते हैं। उनके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, वो लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं। वो जो है 20 रुपये का आटा हमें 25 रुपये का बेचने को खुश हैं, ना कि बिचौलिया लगा कर 150 रुपये किलो आटा हम खरीदने को मजबूर हो जाएँ, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें साथ आना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को साथ आना चाहिए। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जब आते हैं, मैं मुसलमान यहाँ पर खड़ा होता हूँ, मेरे सिख भाई आके मुझे अपने कंधों पर उठाते हैं। दिन में यकीन जानिएगा, दिन में कम से कम अगर मैं यहाँ 8 घंटे लगाता हूँ, 8 घंटे के अंदर 80 फ़ोटो 100 फ़ोटो मेरे सिख भाई आके मुझसे खींच के लेके जाते हैं। किस लिए? मोहब्बत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपस में अमन शांति बनी रहे, मोहब्बत बनी रहे, मुसलमान एकता होती रहे, हर वर्ग का जो मज़हब के लोग हैं वो सब साथ रहें, वो चाहते हैं, इसलिए फ़ोटो खींच के लेके जा रहे हैं। मेरी चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है कि लोग मेरे साथ फ़ोटो खींचेंगे, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, वो सिख हैं और वो आके मेरी इज्जत करते हैं, तो बड़ा प्यार मिलता है यहाँ पर आकर। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम अपने लोगों के बीच हैं। और यहाँ पर दिन ब दिन ऐसा लगता है, अगर बीच में एक दिन हम लेट हो जाएँ या फिर हम भूल जाएँ, अगले दिन लोग पूछते हैं, भाजी कल कहाँ थे आप, कल आपकी कॉफ़ी नहीं मिली हमें, तो ऐसा प्यार बन चुका है 7 दिनों में। वहीं पर वे नेशनल मीडिया से खासे नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया बिक चुका है और तानाशाह हुकूमत का गुलाम हो चुका है। जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इन्हें दलाल कहा जाएगा। मीडिया हाउस जितने भी हैं सब बिक चुके हैं और गुलाम हो चुके हैं इस हुकूमत के, तानाशाह हुकूमत के गुलाम हैं वो लोग। जो कुत्ते के सामने रोटी डाल दी जाती है और वो उठाकर खाने लगता है, सेम वही हाल है। कुछ उद्योगपतियों के से चल रही हैं, कुछ जो है वो सरकार के इशारे पर चल रही हैं। मीडिया हाउसेस बचे कितने हैं जो निष्पक्ष फैसला सुनाएं, निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष न्यूजिंग हो। मतलब चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को, वो चौथा स्तंभ जो है वो स्तंभ नहीं रहा, वो तो डगमगा के गिर चुका है। जब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ना कि मुसलमान CNRC के खिलाफ जो है धरना कर रहे थे, स्टूडेंट्स अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, फार्मर्स अपने लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे इतनी ठंड के अंदर, उस टाइम पर मीडिया दलाली कर रही थी, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इनकी मुंह पर कालक पोती जाएगी,
लिटरली मैं सच कह रहा हूँ, जिस तरह से मीडिया ने अपना वैश्या वाला, मैं मजबूर हूँ ये बात कहने के लिए, वैश्या वाला जो है रूप अपनाया है, वैश्या भी फिर भी अच्छी होती है। ये लोग बहुत बिक चुके हैं, ख़राब हैं, बेकार हैं। कुछ अच्छे चैनल हैं, आप जैसे चैनल हैं जो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट बताते हैं, वो लोग करते हैं हिंदू मुसलमान के जी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उसके ऊपर मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। यहाँ अगर देखें कि अगर मुसलमान यहाँ पर सिख भाइयों की सेवा में लगा हुआ है, एक हिंदू भाई हरियाणा से आकर यहाँ पर दूध देकर जाता है, कर्नाटक से ईसाई भाई यहाँ पर आके समर्थन देते हैं, तो ये दिखाने की ज़रूरत है। यही हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान की चाहत है कि ऐसे ही हमारा जो देश था, जो गांधी ने एक सोच रखी थी कि ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर हर वर्ग के लोगों को आज़ादी हो बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, वो आज़ादी छिन चुकी है इस देश के अंदर। टेलीविज़न पर ही हिंदू मुस्लिम जात पात का भेदभाव दिखाई देता है, लेकिन असलियत कुछ और है। असल में इन सबके बीच में भाईचारा है, लेकिन ये सरकारें अपनी राजनीति के चक्कर में लोगों को बांटे हुए हैं।